हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ज्योमेट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है लाइंस एंड एंगल। तो स्पेशली आज हम लोग एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग डिफरेंट टाइप के एंगल्स डिफाइन करते हैं। तो देखेंगे, देखिए सबसे पहले लिखा गया एक्यूट एंगल। ठीक है, एंगल आप समझ रहे हैं, यह हॉरिजॉन्टल लाइन है और इससे जो एंगल क्रिएट करें अगर वह 0 से 90 के बीच का हो, 0 से ग्रेटर हो लेकिन 90 से कम हो, तो ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। आप फिगर में देख सकते हैं कि जो एंगल एक्स है वह 0 से ग्रेटर है एंड 90 से कम है, तो इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक एंगल फॉर्म किया गया हॉरिजॉन्टल लाइन है और यह एंगल जो फॉर्म किया गया है ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 है, मतलब 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या, 90 से ग्रेटर बट 180 से लेस। ठीक, उसके बाद देखिए यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और यह वर्टिकल लाइन एकदम एक एंगल क्रिएट कर रही है जो कि 90 डिग्री के इक्वल है, तो इसको हम लोग कहेंगे राइट एंगल। राइट एंगल मतलब एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, यह देखिए एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हुआ है यह चूँकि यह स्ट्रेट लाइन पर क्रिएट हुआ है इसलिए 180 डिग्री है और इसको लोग कहेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, मतलब स्ट्रेट एंगल मीन्स एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और यह जो एंगल क्रिएट हुआ है, तो देखिए यह एंगल नहीं, जो यह बार बार एंगल क्रिएट हो रहा है यह 180 से ज़्यादा है और 360 से कम, तो ऐसा एंगल जो 180 से ज़्यादा और 360 से कम हो ऐसे एंगल को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो देखिए यह एंगल जो क्रिएट हुआ है यह 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, आगे देखिए यह एक एंगल यहाँ पे एक सेम कॉमन यहाँ पे पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट पे क्रिएट हुआ है। देखिए इस पर यह एंगल क्रिएट हुआ है, इस पर इधर यह क्रिएट हुआ, एक इसका आर्म कॉमन भी है दोनों में, तो इस जो दोनों एंगल क्रिएट हो रहे हैं इन दोनों को एक साथ हम लोग कहेंगे एडजेसेंट एंगल। मतलब कॉमन इनिशियल पॉइंट है यहाँ पर और साथ में देख रहे हैं कि एक आर्म कॉमन भी है, तो इन दोनों एंगल को हम लोग कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए यह एक लाइन है और यह आर्म दो एंगल क्रिएट कर रहा है, यह देखिए यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, यह आर्म यह दो एंगल क्रिएट कर रहा है, तो इन दोनों एंगल को हम लोग कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब यह एंगल्स का लीनियर पेयर है, लेकिन यह स्ट्रेट लाइन होना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करी हैं। ठीक है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी हैं और यह जो अपोजिट साइड एंगल क्रिएट हुए हैं इनको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब यह दो लाइन इंटरसेक्ट करी हैं, जो अपोजिट साइड एंगल दिख रहे हैं उनको एक साथ पेयर वाइज कहेंगे, तो कहेंगे यह इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वैसे आप इसको भी कहना चाहें तो इसके वर्टिकली अपोजिट कर सकते हैं, मतलब यह दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। सिमिलरली यह दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और यह ध्यान रखिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वह इक्वल होते हैं। ठीक है, और भी देखिए कुछ पेयर के बारे में आप पढ़े होंगे, दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो ऐसे एंगल्स को हम लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो उसको हम लोग कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और इसी वे में अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो इन दोनों एंगल को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो देखिए यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि ए बी और सी डी दो लाइन है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, साथ में यह दिया गया है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड बी ओ डी 40 डिग्री है, और आपको फाइंड क्या करना है एंगल बी ओ ई और साथ में रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, मतलब आपको यह एंगल फाइंड करना है। अब इसके बाद देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर यह देखिए कि जो यह फिगर में हमने एंगल मार्क कर लिए हैं, यह एंगल जो वाई है और साथ में यह देख रहे हैं कि 40 डिग्री है, यह एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो इसका मतलब है कौन सा एंगल, वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि यह क्रिएट हो रहे हैं कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब आप इस एंगल को बी ओ डी और सी ओ ए जो है
यह वर्टिकली अपोजिट हैं, तो और अभी आप देखे थे रिजल्ट में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वह इक्वल होते हैं, तो आप आ गए कि एंगल वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, गिवेन क्या है, दूसरा टर्म एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ए ओ सी वाई ही है ना, तो y प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, और y की वैल्यू आप फाइंड कर दिए हैं 40 डिग्री, तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70। तो अब यहाँ से एंगल पा गए बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40, ठीक है, इज इक्वल टू 30 डिग्री, आप इसी को कह लीजिए क्या x। तो यहाँ पर हम लोग जो पहला टर्म है यहाँ पे जो रिक्वायर था एंगल बी ओ ई वह आ गया कितना 30 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग को देखिए निकालना है रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, सी ओ ई, तो यह पूरा रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक बात है ना, यह पूरा मिला करके क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल की जो बात करें तो लिखेंगे कैसे, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, एंगल सी ओ ई, तो देखिए यह कितना होगा, तो आप देखेंगे यह वाई लेना पड़ेगा पूरा आपको, प्लस देखिए यह पूरे एंगल की बात हो रही है, यह स्ट्रेट एंगल लेना पड़ेगा जो कि कितना है 180 डिग्री है, और प्लस आपको यह एंगल एक्स लेना पड़ेगा, तो यह देखिए पूरा एंगल कौन सा, यह पूरा एंगल कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक जो काउंट हम लोग कर रहे हैं, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यह पूरा जो सम अप होगा वह जो है इस रिफ्लेक्स एंगल किसको, सी ओ ई को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इसमें देखिए वाई की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, गिवन था क्वेश्चन में यहाँ पर 40, तो यह वाई आया था 40 प्लस 180 प्लस 30, ठीक है, तो यह हो गया देखिए 40 प्लस 180 तो 220 और प्लस 30 तो 250, तो जो रिफ्लेक्स एंगल हो गया वह कितना हो गया 250 डिग्री, और जो एंगल बी ओ ई था वह कितना हो गया 30 डिग्री। तो हम लोग को यहाँ पे एंगल बी ओ ई निकालना था जो कि 30 डिग्री आया, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना था जो 250 डिग्री आया। तो इस एग्जांपल में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पर यह दोनों एंगल हम लोग फाइंड किए और इस बात को यूज करा कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं वह इक्वल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, थैंक यू।